नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल प्रवासी बांगाली। मैं हूं देवस्मिता। मैं उन दोस्तों को शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट किया है। अब रिक्वेस्ट करूंगी उन दोस्तों को जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। गन पाउडर बनाने के लिए चाहिए उड़द दाल या ब्यूली दाल, ये धुली हुई है, रोस्टेड चना, छोला भाजा, चना दाल, छोला दाल, थोड़ा सा रॉ राइस, जीरा, ब्लैक पेपर, धनिया, ससमी सीड या तिल, इमली, करी पत्ता, सूखी मिर्च, लहसुन, हींग, मूंगफली, सूखी नारियल, इसको मैंने कट करके ग्रेट कर लिया है, और सॉल्ट चाहिए। तो मेन कुकिंग पे चले जाते हैं। एक फ्राइंग पैन ले लिया, इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून चना दाल, अब इसको लो फ्लेम में रोस्ट करेंगे। इसके साथ देंगे उड़द दाल, ये उड़द दाल और चना दाल दोनों हल्का सा रोस्ट हो गया है, इसमें आप देंगे सूखी मिर्च, और मूंगफली, साथ में देंगे चावल, सबको अब थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे धनिया, जीरा और ब्लैक पेपर, ये सारा ही हमने लो फ्लेम में रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जितने सारे मॉइस्चर है साथ पूरा ही निकालना है। ये पाउडर बना के आप आराम से 6 महीने तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे इमली, इमली मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि मुझे खट्टा पसंद है, और रोस्टेड चना, इसको आप पूरा अच्छी तरह से पानी इसमें से सुखा लेंगे। ये सारा अभी रोस्ट हो गया है, इसमें अब डालेंगे लहसुन, और सेसमी सीड, ये क्वांटिटी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। इसे भी अभी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं।
अभी इसमें डाल दिया करी पत्ता, हींग और कोकोनट, ये सारा मैंने इसमें डाल दिया। इसको अभी 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। इसमें हींग भी डाल दिया था, अब डालेंगे इसमें सॉल्ट स्वाद अनुसार, थोड़ा सा इसको चला लेते हैं। सारा मिला के बहुत अच्छा खुशबू निकल गया है। ये करी पत्ता देखिए एकदम से फ्राई हो गया है। अब इसको बंद कर देंगे, बंद करके ठंडा कर लेंगे। अब ये पूरा ठंडा हो गया है, इसे अब इस मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब इसे पीस लेंगे। बन गया हमारा मगल पोड़ी या गन पाउडर। ये इडली के साथ या डोसे के साथ, बड़ा पाव के साथ या कोई भी सब्जी के ऊपर डाल के खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे बना के आराम से 6 महीने तक फ्रिज में रख के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये रेसिपी? अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आज चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। ओके देन, बाय।